नमस्कार, मैं हूं मनीषा चोला। एवन न्यूज में आपका स्वागत है। आई नजर डालते हैं देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के सीएम पद के सबसे प्रबल दावेदार मनोज सिन्हा वाराणसी पहुंचे और काशी के कोतवाल कहे जाने वाले बाबा काल भैरव के दर्शन किए। साथ ही सिन्हा ने वाराणसी में कहा कि अगर हाईकमान उन्हें यह जिम्मेदारी देता है तो वो उसे निभाने के लिए तैयार है। पीएम मोदी ने सोशल मीडिया को लेकर सामने आई चौंकाने वाली जानकारी दी। बता दें, दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरटीआई के जरिए पीएमओ से पीएम के सोशल मीडिया के खर्च का ब्यौरा मांगा। वहीं आरटीआई के ब्यौरे में पीएम मोदी के सोशल मीडिया पर अब तक एक रुपए भी खर्च नहीं हुआ है। भारत में आईएसआईएस के एक आतंकी मॉड्यूल द्वारा भोपाल उज्जैन पैसेंजर ट्रेन में कराए गए धमाके की जाँच का सिरा कानपुर में सक्रिय सत्य संदेश फाउंडेशन नाम के एक गैर कानूनी संगठन से जुड़ता हुआ दिख रहा है। बता दें, ये एनजीओ इस्लाम से जुड़ी धार्मिक शिक्षा के प्रचार प्रसार से जुड़े होने का दावा करती है। लगातार ताजमहल को उड़ाने की धमकियों के बाद आगरा के कैंट रेलवे स्टेशन के पास दो धमाके हुए हैं। वहीं अभी तक किसी प्रकार के नुकसान की कोई खबर नहीं है। धमाके के बाद रेलवे और पुलिस के अधिकारी मौके पर पहुंच गए। 5 राज्यों के चुनाव नतीजों के बाद ईवीएम से छेड़छाड़ के आरोप का मामला गर्माता जा रहा है। वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी भी अब इस मामले में कूद पड़ी है। उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग को इस मसले पर ऑल पार्टी मीटिंग बुलानी चाहिए। आरक्षण सहित 7 मांगों को लेकर दिल्ली के हरियाणा भवन में जाटों और सरकारों के बीच होने वाली निर्णायक बैठक रद्द हुई है। बता दें, बैठक सीएम मनोहर के न पहुंचने के चलते रद्द की गई। यूपी विधानसभा चुनावों में 224 से सिर्फ 54 सीटों पर सिमटने वाली समाजवादी पार्टी में एक बार फिर हुआ घमासान। सपा नेता रामगोपाल यादव ने साफ कर दिया है कि चुनावों के दौरान जो लोग पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल रहे हैं उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। फ्रांस के पूर्व राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी ने कहा कि पाकिस्तान ने आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए पर्याप्त काम नहीं किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि चीन को भी आतंकवाद के बारे में अपना नजरिया साफ करना चाहिए। यूपी के चुनाव में अलग अलग पॉलिटिकल पार्टियों के खर्चे को लेकर हुआ बड़ा खुलासा। सीएमएस के चुनाव से पहले और चुनाव के बाद के सर्वेक्षण के मुताबिक अकेले यूपी विधानसभा चुनाव में बड़े राजनीतिक दलों ने 5500 करोड़ रुपए खर्च किए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ठुकराई मर्केल की हाथ मिलाने की गुजारिश। बता दें, दुनिया के कई प्रमुख नेताओं के साथ मुलाकात में हाथ मिलने के अपने अंदाज को लेकर खबरों में रहने वाले ट्रंप ने मर्केल की हाथ मिलाने की गुजारिश को बिल्कुल अनसुना कर दिया। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने संसदीय लोकतंत्र के महत्व पर रोशनी डालते हुए कहा कि हमें पूरे देश को साथ लेकर चलने की जरूरत है और सत्ता में बैठे लोगों को इसका ख्याल रखना चाहिए कि विचार विमर्श और सर्वसम्मति ही शासन करने का सबसे अच्छा तरीका होता है। नोटबंदी के बाद से सामने आए अघोषित आय पर अब 6,000 करोड़ रुपए का टैक्स वसूला गया है। बता दें, कालेधन पर गठित विशेष जांच दल के उपाध्यक्ष जस्टिस अरिजीत पसायत ने ये जानकारी देते हुए संभावना जताई कि टैक्स के रूप में सरकारी खजाने में आई ये राशि आगे और बढ़ सकती है। इंडिया के स्टार कार रेसर अश्विन सुंदर और उनकी पत्नी निवेदिता की एक दर्दनाक हादसे में मौत हो गई। सुंदर की कार का एक्सीडेंट चेन्नई के सांथोम हाई रोड पर हुआ। वहीं एक्सीडेंट इतना भयानक था कि कार में आग लग गई और सुंदर और उनकी निवेदिता जिंदा जल गई। बता दें, 32 साल के सुंदर कार रेसिंग की F4 कैटेगरी में 2012 और 2013 के नेशनल चैंपियन थे। पूर्व कप्तान सुनील गावस्कर ने चोटिल विराट कोहली को जोखिम नहीं लेने की सलाह देते हुए कहा कि अगर बहुत जरूरी हो तभी उन्हें ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट में बल्लेबाजी करनी चाहिए। बाहुबली 2 के मुंबई में ट्रेलर लॉन्च के दौरान निर्देशक ने फिल्म को 2 पार्ट में बनाए जाने की वजह का खुलासा किया। निर्देशक राजा मौली ने कहा, हमारा विचार बाहुबली को फ्रेंचाइज करने का नहीं था, लेकिन बाहुबली की दुनिया कॉमिक्स, टीवी सीरीज और नॉवेल्स तक जाएगी। मेरे साथ खास खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया से जुड़ी तमाम खबरों के लिए देखते रहिए एवन न्यूज़।